हेलो गाइस, मेरा नाम पंकज दास है और मैं आज आपको एक स्टील लाइफ दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो पेपर है छोटे सीट का चित्रपट पेपर, और एक कलर कैमल कलर है, और ये ब्रश है सुनाई का जो मैंने एक छोटा सा स्टील लाइफ सजाया है, जो कि एक बॉटल है और एक नींबू का कटा हुआ दो भाग है और दो चम्मच है जो मैं अलग अलग एंगल में रख दिया हूँ। और इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले बॉटल के ढक्कन के मैं टॉप पार्ट से स्टार्ट करूँगा, जो कि लाइट मेरा इधर से पड़ रहा है, तो मैं हर तरफ इधर से लाइट छोड़ने का कोशिश करूँगा। ओके, सबसे पहले हल्का सा गीला कर ले पेपर को पानी से। उसके बाद कुछ लाइट पार्ट करने के लिए मैं लेमन येलो और येलो का हल्का सा मिक्स करके और मैं यहाँ पे हल्का सा वाइट छूने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बॉटल हल्का सा फिर और मिक्स करके इस पार्ट को मैं दूंगा। और फिर ये कोबाल्ट ब्लू को हल्का सा मिक्स करके यहाँ पे पुट करूंगा। और फिर यहाँ पे फर्स्ट टोन में जितने आप कलर देख सकते हैं, देखे ध्यान से, बहुत सारे कलर को पकड़ने का कोशिश करें। बहुत सारे कलर छुपे होते हैं फर्स्ट टोन में, जितने अच्छे से कलर देख पाएंगे उतने बढ़िया पेंटिंग बनेगी। और स्टील लाइफ का सजा हुआ मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जो कि मैंने सेटअप कर लिया इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। हल्का सा कोबाल्ट और हल्का सा फ्रेंच मिलाकर डॉट में लॉकर पुट करूंगा। और यहाँ पे मेरा स्पून का जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप छोड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ हाफ पार्ट ग्रीनिश टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी मैं हल्का कोशिश करूँगा। ये बात ध्यान में रखें कि अगल बगल के कलर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैरेक्टर लाइट कलर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो कि यहाँ पे जब लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो ये इसका भी लाइट पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ भी हल्का सा वाइट बन जाएगा। तो मैंने कर दिया, फिर मैं वेट ऑन वेट वही करूंगा। जितना वेट ऑन वेट टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा उतना बहुत बढ़िया। मैंने येलो आकर और ब्रांड सीना और फ्रेंच अल्ट्रा मैंने मिलाकर जो कि कलर तैयार किया है वो टॉप व्यू में लगाऊंगा। और मुझे ध्यान रहे, आपको ध्यान रहे कि ये पार्ट लाइट पार्ट रखना है।
फिर से हल्का सा फ्रेंच अल्टामरीन उसमें मिलाऊंगा, थोड़ा सा उसको डार्क करूंगा और मैं फिर से इस पार्ट का करूंगा इस बार। और आपको फील करना पड़ेगा कि उससे डार्क और कहाँ पे है, उससे डार्क और कहाँ पे, और वो धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाने से वो आपका रियलिटी सामने आएगा। वाटर में भी थोड़ा सा रेड, अर्मिनियन रेड और ऑरेंज मिलाकर थोड़ा प्लांट, थोड़ा सा फ्रेंच अल्टामरीन, येलो और थोड़ा सा मिलाकर। आपको फील करना पड़ेगा बॉटल का ऊपर कौन कौन सा कलर मिक्स्ड होकर वो दिख रहा है, वो आपको फील करना पड़ेगा, तभी वो जाके करेक्ट कलर बनेगा। थोड़ा सा कच्चा कच्चा कलर डीपली इस्तेमाल करूंगा। और ये नहीं कि एक कलर बनाकर मैं पूरा लेयर चाप दूंगा पेपर में, नहीं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का फील डालिए। जैसे ये कलर मैंने बनाया तो ए टू जेड मैंने नहीं लगाया। अब फिर से इस स्टेप का बाद देखिए कलर की, इसका बाद और भी कुछ कलर मिलाकर यहाँ पे पुट होगा, तो वो सब और ढूंढिए, आपको बहुत मिलेंगे। नीचे में मेरे को हल्का सा ऑरेंज दिख रहा है तो मैं ऑरेंज जाऊंगा। आप धीरे धीरे बढ़िए, एक बार में कलर मिलाकर मत बैठाइए, आप धीरे धीरे बढ़िए, आपका पेंटिंग का खूबसूरती बहुत दिखेगा। करते 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 आराम से हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। और ये जो मेरा व्हाइट पन है ना, वो इतना डार्क करके व्हाइट हो गया, इतना मतलब नहीं, थोड़ा सा ब्लेंडिंग वहां पे होगा क्योंकि पेपर में उतना ज्यादा डीप नहीं दिखता है, जितना ब्लेंडिंग में रहेगा पेपर में उतना नहीं पड़ता। ये हो गया। ये नीचे का पार्ट,
वेट एंड वाट, वेट एंड वेट जितना चलेंगे उतना बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। और अगर आपका ये सूख जाए तो आप थोड़ा सा स्प्रे लेकर स्प्रे कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से आप वेट एंड वेट चल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वेट ऑन वेट में इधर मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया तो ये मेरा ये जो ये पार्ट है, मैं इसका लाइट जो दिखाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा पूरा डल कर देगा वो, तो मैं सूखने के बाद दूंगा तो कुछ मात्रा वो बचा रहेगा। कर रहे हो बॉर्डर को तो आप उसका उसको पकड़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आप जब छोटे कर रहे हो तो पकड़ने की जरूरत नहीं है। और ये करते टाइम आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन से ये सब रिटर्न एसेस होगा, स्टेट मत कीजिएगा। बहुत जन बिगनर्स होते हैं वो स्टेट कर देते हैं, वो स्टेट नहीं, जैसे राउंडनेस है वैसे ये भी राउंडनेस होगा, तो ये याद रखिएगा।
आप प्लेन एयर करते हैं और उसको और डेवलप करना चाहते हैं प्लेन एयर को, तो सबसे अच्छा तरीका है स्टिल लाइफ। क्योंकि यही स्किल्स आपको प्लेन एयर में बहुत काम आएगी, बहुत। ये कलर्स स्कीम्स सारे प्लेनर में बहुत काम आते हैं। पार्ट बाय पार्ट करके कर रहा हूँ, पहले मैं इसको फिनिश किया, फिर मैं एक स्पून को फिनिश करूँगा। चलिए मैं अपर स्पून को पकड़ता हूँ। सबसे पहले लाइट पार्ट से स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले लाइट पार्ट को कवर करूँगा वाटर से। और ये जो कि स्टील है उसका कलर्स इधर सब बहुत अच्छा से देखना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर भी कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, चम्मच का पार्ट को ज्यादा डार्क में ना लेके जाए, बहुत ही स्मार्टली कलर पकड़िए इसका।
कलर में आप व्हाइट ना यूज करें, लास्ट में एकदम पहले शुरू शुरू में यूज ही ना करें। जब बहुत करने के बाद आपको पूरा नॉलेज हो जाए तो उसके बाद आपको लास्ट में जहाँ व्हाइट आपको दिखे वहाँ यूज कीजिए, लेकिन जितने तक आप पेपर छोड़ने का कोशिश करें।
अच्छे से स्क्रैच कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड करने के लिए मैं थोड़े से इससे बड़े ब्रश इस्तेमाल करूँगा। ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। आप ब्राउन और ब्लू मिलाकर यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। उसमें थोड़ा सा मैं ब्लू मिक्स करता हूँ और ब्राउन भी। Thank you.
शैडो को दिखेगा जब करते हो तो फैल जाता है, वो आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये वाटर का आपका कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गीला है तो आप मोटा
कलर दीजिएगा, तभी आपका शैडो रहेगा। सॉरी, शैडो के लिए मैं थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी कम रखिएगा, कलर क्वांटिटी ज्यादा रखिएगा। उससे भी टिप डालेंगे, मतलब कलर का थिकनेस उससे भी ज्यादा है, तभी वो वहां पर बैठेगा, नहीं तो फैल जाएगा। थोड़ा सा और थिकनेस का संपर्क कलर से करना चाहिए, नहीं करना होगा क्योंकि कनेक्शन रहना चाहिए शैडो के साथ। आप लोगों को कुछ फायदा हो, इम्प्रूवमेंट हो। पीछे का उतना वेट ऑन वेट नहीं है, थोड़ा सा सूख गया। केयरफुली ऊपर से किया इसका। पार्ट को मैंने हल्का इसलिए रखा क्योंकि इसके ऊपर से नींबू गया हुआ है।
जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये सब में थोड़ा सा फोकस रखा था। थोड़ा सा चाय का चम्मच में
स्पून और नींबू मेरा फेवरेट है। ये नींबू नहीं, बड़ा वाला ऑरेंज कलर का बहुत फेवरेट मेरा है। स्टिल लाइफ में उसका वीडियो अगली बार जरूर देने की कोशिश करूंगा। पेंटिंग कंप्लीट हो गई है जो कि आप सामने से थोड़ा सा देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिएगा प्लीज।